ये आपका क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है एक्स इज इक्वल टू 3 वाई। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ लेना, इसमें दिया है बी सी इज इक्वल टू ओ बी। जो मैंने फिगर बनाई है इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन आपको लिखना यही है बी सी इज इक्वल टू ओ बी। मेरी फिगर में नहीं दिख रहा, लेकिन आप ढंग से बनाना। अब अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अब ये हमारे पास है एक्स, रिलेशन चाहिए वाई में। ओके, ये देखो ये इसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल आ गया। अभी जो लॉजिक लिया था, एंगल वन इज इक्वल टू वाई प्लस वाई, 2y हो गया। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, क्यों? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो 2 भी 2y हो गया। अब आइए, ये y है, ये x है, पूरी लाइन पे, इस पूरी लाइन पे x प्लस एंगल 3, मैं इसको एंगल 3 ले रही हूं, प्लस एंगल y 180। लाई ऑन अ लाइन, एक लाइन वही लीनियर पेयर जो बोलते हैं दो को करके, या लाई ऑन अ लाइन जब दो से ज्यादा होते हैं। तो अब यहां से आपका एंगल 3 आ गया 180 माइनस एक्स माइनस वाई, ये तीन एंगल आ गए आपके पास। ये तीनों एंगल किस में है? ट्राइंगल में है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अब एंगल 1 क्या है? 2y। 2 क्या है? 2y। 3 क्या है? 180 माइनस एक्स माइनस वाई 180। 180 से 180 कैंसिल हो गया, ये बना x प्लस, यहां पे अब ये आ गया आपका ये वाला x आपका माइनस x रह गया, 2 प्लस 2 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 0। तो x उधर चला गया, x इज इक्वल टू 3y आपका आंसर आ गया। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले वीडियो में डिस्कस किए थे ना कि अपोजिट साइड पे होंगे या सेम साइड पे होंगे, तो ये भी क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा। एक ऐसे बनेगा व्हेन दे आर ऑन अपोजिट साइड, ओके, और एक ऐसे बनेगा व्हेन कॉट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल, ये सेम साइड पे है, ओके। तो आपको अब ये ऐसे बनाना है, ये क्वेश्चन उसकी फिगर ये बनेगी, लॉजिक यहाँ सेम होगा। आपको रेडियस निकालनी है सर्कल की, दोनों केसेस में क्या निकालनी है आपको, क्या गिवन है? ये कॉर्ड की लेंथ गिवन है और आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है। तो जब आपको कॉर्ड की लेंथ गिवन है तो परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करेंगे सेंटर से इस पे कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा और ये कॉर्ड पैरेलल है। तो अब आपका जो आएगा ये ए बी 10 है तो ये आ गया आपका 5, सी डी 24 है, ये आपका आ गया 12। अब दोनों का डिस्टेंस 17 है, आप ये ले लो ओ पी, यहां पे एम है और इधर एल है, तो ओ एम आपका एक्स आ गया, तो ओ एल आपका 17 माइनस एक्स आ गया। ये एक्स है, ये 17 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है 17। बस यहीं पे ये डिफरेंस है। अगर आप ये वाला डायग्राम लोगे तो आपका ये जो है ये आपका एक्स है, तो ये वाला टोटल दोनों कॉर्ड के बीच में डिफरेंस 17 है, तो ये पूरी रेडियस क्या आ गई, पूरा हाइट क्या आ गया, ये पूरा एक्स प्लस 17, ये पूरा, क्योंकि इसमें ये वाला ट्रायंगल बनेगा और एक ये वाला बनेगा, बस ये दोनों में डिफरेंस है। मेथड दोनों का सेम है, यहां पे लिखा होगा ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर या ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, ये डिफरेंस आप देख लेना और आप ये दोनों पे सॉल्व करोगे। अब क्या करना है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ये आ रहा है हमारा, ये भी आ रहा है पहले वाले ट्रायंगल में ओ एम सी में, बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, और दूसरे वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, दोनों में रेडियस रेडियस आ रहा है, आप दोनों को इक्वेट कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू, आई थिंक सर ए स्क्वायर, ये 289 आएगा, कैलकुलेशन चेक कर लेना, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25। तो आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 34x इधर आ गया, ये आ गया 289 प्लस 25 माइनस 144, यहां से x की वैल्यू निकाल लेना, इस x की वैल्यू इधर पुट कर देना, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, r स्क्वायर है, बाद में अंडर रूट लेना पड़ेगा, वो आपका रेडियस आ जाएगा।